चलो चलो ध्यान से बेटा, रुको रुको रुको। सामने दोस्तों, मुझे गांव आते हुए तकरीबन 3 दिन हुए और 2 दिन से बारिश स्टार्ट हुई और रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अभी रुकी है थोड़ी बहुत, आधा घंटा रुकी फिर चलती है। तो अभी निकले हम थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करने, थोड़ा सा सौदा भी लेना लास्ट में, ये बात ये थी। तो अभी ये थोड़े से सीन्स में आपको दिखा दूँ, कितना पानी जमा यहाँ पे। तो मेरे साथ है अब्दुल हनान और हमारे पास इतना भी टाइम नहीं कि शेव कराएँ या हेयर डाइंग कराएँ, क्योंकि सैलून भी काफ़ी, मतलब सैलून क्या, सारी दुकानें बंद है क्योंकि बारिश हो रही है। ये हमारी मस्जिद का इलाका है, तो आप ये देख सकते हैं दरारें, इनमें दरारें आ गई हैं, ये भी शायद गिर जाएगी खुद ब खुद। और काफ़ी जो गांव के हमारे आसपास के कच्चे इलाके वाले घर हैं, वो तकरीबन उनकी दीवारें गिर चुकी हैं। पीछे हटो बेटा, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो बेटा। ये देख सकते हैं आप, यहाँ के लोग कितना परेशान हो गए, ये वहाँ तक पानी है। अब ये एक ही जगह है आने जाने के लिए, यहाँ पे 3-4 घर हैं, आगे भी हैं, लेकिन ये देख सकते हैं आप पानी कितना है यहाँ पे। ये देखिए अभी अभी ये घर बना हुआ है। अब मैं जा रहा हूँ हमारे जो हॉस्पिटल है नज़दीक है, लेकिन वहाँ पे मैं आपको पानी दिखाता हूँ, कितना पानी है। जहाँ आने जाने की जगह नहीं है मैं कह रहा हूँ, और यहाँ पे बहुत कीचड़ है। तो सर हम यहाँ से आए थे, ये गली है और ये जा रही है सीधा हॉस्पिटल, और ये रोड है हमारे गांव का। तो ये पानी आप देख सकते हैं, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये रोड पे पानी है और उधर भी पानी है, इधर भी घरों के आसपास बहुत पानी है। ये जिनुद्दीन साहब आ रहे हैं मेरे भांजे, आप जन कह रहे पा नहीं, पबजी गेम खेल रही, बाकी भाई साहब ये पानी देख सकते हैं। ये अब लोग कैसे जाएंगे, गरीब जो आवाम है हॉस्पिटल में कैसे जाएगी, मुझे ये बताएं। यहाँ ना टाउन कमेटी ना कुछ, कोई हिसाब किताब ही नहीं है ना, शहरों में तो होता है, गांव में क्या हिसाब किताब होगा। कौन कुछ यहाँ की जो दुकानें आप देख सकते हैं तकरीबन बंद है। जो सब्ज़ी वाले हैं वो तो सब्ज़ी लेके नहीं आए थे, तकरीबन 2 दिन हुए उनको सब्ज़ी मिली नहीं। ये हमारा शहर है अलमदा, यहाँ पे रोड बना हुआ है, ये बस फैसिलिटी है, लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है। ये देख सकते हैं आप दुकानें, अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है। लौंग साहब क्या डाल ना, तबीयत सही है अलमदा का, महकमा मौसम को वीडियो वैसी असलम। ये कमरिन चाहे बच्चों, जहाँ पे आपको दुकानें बंद ही नज़र आएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पूरा घर गिरा हुआ है। यहाँ पे लोग राश पजीर थे कि नहीं थे पता नहीं, ऐसे कई घर हैं जिनकी मैं रिकॉर्डिंग नहीं करना चाहता। ये है वदूद शापर लेके, क्योंकि अभी बारिश हो रही है। चलो आ जाओ सदाम लगारी, जो तकरीबन हमारे ब्लॉग्स में आते रहते हैं। सर आपका इलाका जो बहुत डूबा हुआ है मैंने देखा है, चले मैं आपको, चले आप साथ में चलते, इधर से जगह नहीं, चले इधर से, मेहरबानी। पीछे जो है रास्ता नहीं था, मैं तो चला था लेकिन अब जाना नहीं चाहता था, तो हमने वापसी कर ली। तो अभी जाएंगे सौदा लेंगे, चाचू हमारा दुकान खुली होगी मेरे ख्याल में, तो वहाँ पे सामान लेके फिर घर चलेंगे। यहाँ से भी जगह नहीं है, यहाँ से भी जगह नहीं है, चलो जी वापसी करते हैं, आ जाओ। एक ये गली बनी हुई है, ये ऑटोमेटिक जूम हो रहा है क्योंकि बारिश हो रही है अभी काफ़ी ज़्यादा। चलो आना, आ जाओ, मेरा हाथ दो।
दोस्तों आप ये देख सकते हो कि 40 घंटे की बारिश के बाद हमारे गांव का मंजर, ये किसी की दीवार गिरी हुई है तो किसी का घर गिरा हुआ है और रोड पे इतना पानी है आप देख सकते हैं। और अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है, ये आपको महसूस हो रही है हल्की हल्की बूंदाबांदी। ये बादल आप देख सकते हैं कितने गहरे हैं अभी भी, तो अल्लाह ताला रहम करे। गाय दूसरी जगह है, हमारे गांव की गली है जहाँ पे आना जाना होता है, काफ़ी आबादी एरिया इलाका है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये गली बंद हुई पड़ी है, बारिश का पानी है। आगे तो खेत हैं लेकिन ये गली है, आप देख सकते हैं ये गली भी बंद हो गई, कितना पानी है। तो भाई आप खेतों में भी आप पानी चेक कर सकते हैं, जो लोग कहते थे कि पानी नहीं है, अभी उनकी दुआओं से इतना पानी आ गया कि अभी पानी को किधर करें, तो अभी पानी निकाल रहे हैं कुछ लोग, तो फिर बारिश हो रही है फिर पानी निकाल रहे हैं, लेकिन अभी ये दुआ हो गई है पानी की वजह से, पानी कम है तो जब तक दुआ पूरी नहीं हो जाती पूरी तब की सिलसिला जारी रहेगा। तो पानी दे। पानी दे। हम्म